नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो अग्निवीर स्कीम को लेकर संसद में और संसद के बाहर विपक्ष के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि ये भारत के जो युवा हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब ये जो अग्निवीर स्कीम है वो अपने बहुत ही शुरुआती समय में है, और अभी अभी पहला जो बैच है वो अभी भी अग्निवीर के तौर पर सेना में जुड़ा हुआ है। उनका जो कार्यकाल बताया है वो पूरा 4 साल का है। उसके बाद उन लोगों का क्या होगा, 25% आर्मी में जाएंगे और बाकी के 75% हैं वे लोग सेना से बाहर निकाल दिए जाएंगे। यही 75% के लिए कई सारे लोग कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में होते रहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब पूरी दुनिया में ऐसा कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया हो सेना के लिए। इसराइल में भी वो प्रोग्राम चलता है, साउथ कोरिया में भी वो प्रोग्राम चलता है, चाइना में भी इस प्रकार का प्रोग्राम चलता है। साउथ कोरिया में जो प्रोग्राम है उसका जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 साल का है, जिसमें हाल में वहां का केपॉप का जो एक फेमस ग्रुप है BTS, वे लोग हाल में वहां पर सेना में सेवाएं दे रहे हैं। वो लोग वहां पर सेना में सिर्फ 2 साल के लिए सेवा देंगे और उसके बाद वे लोग वापस मार्केट में आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन भारत में जो स्कीम बनाई गई है वो 4 साल की रखी गई है, जिसमें से कुछ समय के लिए, तकरीबन 6 से 8 महीने के लिए जैसे कि बताया जा रहा है, उन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद प्रॉपरली तकरीबन 3 सालों तक वे लोग भारत की सेवा करेंगे। अब ये जो पूरा कार्यकाल है 4 साल का, उसके दरमियान वे लोग डेडिकेटेडली कंट्री को सर्व करने के लिए तत्पर रहेंगे, उसके लिए वे लोग बाधित होंगे और साथ ही में वे लोग डिसिप्लिन भी सीखेंगे। तो उसी के चलते 4 साल के बाद जो 75% यूथ निकल कर आता है वो काफी ही डिसिप्लिन होगा, अनलाइक एनी कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अराउंड द वर्ल्ड। तो उसी के चलते ये जो जवान निकलेंगे, ये जो यूथ्स बाहर आए, वे लोग काफी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में, और खास करके अलग अलग वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और ऐसी जो भी पोस्ट हैं जहां पर डिसिप्लिन की बहुत ही जरूरत है वैसी जगहों पर। तो उसी के चलते कल CISF, BSF और RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने एक अनाउंसमेंट किया खास उन अग्निवीरों के लिए जो 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे। उन लोगों के 10-10% का रिजर्वेशन उन सभी जगहों पर रखा गया है, साथ ही में कुछ अन्य प्रोविजंस भी रखे गए हैं। लेकिन हम बताएं उससे बेहतर है कि जो उन लोगों ने खुद कहा है उसको हम सुने। तो सबसे पहले हम सुनेंगे CISF की जो DG है नीना सिंह जी, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये एक्स अग्निवीरों के लिए जो प्रोविजंस CISF में रखे जाएंगे उसके बाद। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार CISF ने भी एक्स अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियाँ कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहाँ प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह CISF भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर CISF के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि CISF को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी, उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से CISF में सेवा का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आपने सुना CISF DG नीना सिंह जी से कि किस तरह से एक्स अग्निवीरों के लिए CISF में रिजर्वेशन रखा जाएगा और उन लोगों को अन्य प्रकार की छूट भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के जो DG हैं, उनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स अग्निवीर और उनके लिए जो प्रोविजंस RPF में रखे गए हैं उसके ऊपर। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी
उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ना सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी नेवी एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी, लेकिन उसके तत्पश्चात जो बैचेज आएंगे उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा। तो इसी प्रकार से सीआईएसएफ में, आरपीएफ में यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, और साथ ही में बीएसएफ में भी अग्निवीरों के लिए खास रिजर्वेशन रखे गए हैं। साथ ही में उन लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, और उसके अलावा उन लोगों को कुछ समय तक एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसी प्रकार से कई सारे बेनिफिट्स सीआईएसएफ, पीएसएफ और आरपीएफ के द्वारा ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इस प्रकार के और भी डिक्लेरेशन आ सकते हैं आने वाले समय में। तो इसी पर चलते हुए हम आप सभी से एक खास निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, कोई पॉलिसी आती है, कोई लॉ बनता है, तो वो एटर्नल नहीं हो जाता। यहां तक कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एटर्नल नहीं है, उसमें भी समय दर समय टाइम टू टाइम संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जिसके चलते उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं, ताकि जो भी लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है या स्कीम है या पॉलिसी है वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो उसी तरह से ये जो अग्निवीर स्कीम है उसमें भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे, कुछ नए एडिशंस भी होंगे और साथ ही में कुछ नए बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएं, कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए जाएं। तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही सामान्य है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सभी नियमों के लिए, लॉज के लिए, पॉलिसीज के लिए, स्कीम्स के लिए। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि धैर्य रखें, और हाँ, अपनी जो भी बात है उसको जरूर सरकार के सामने रखें, लेकिन उसको इस तरह से प्रचारित ना करें कि लोगों के मन में नेगेटिव इमोशन सरकार को लेकर या आर्मी को लेकर या फिर इस प्रकार की स्कीम्स को लेकर जो कि देश के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल हैं वो क्रिएट हों। आशा रखते हैं कि आप हमारे इस निवेदन को, इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे, हमारी इस बात को स्वीकार करेंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को, सभी भारतीयों को, 140 करोड़ भारतीयों को ये पता लग सके कि अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन होने वाले लोगों में से 25% आर्मी में रखे जाएंगे और बाकी जो 75% यूथ है उन लोगों के लिए नए नए प्रावधान और रिजर्वेशंस रखे जाएंगे। और उसके अनाउंसमेंट्स जैसे कि कल आए हैं, उसी प्रकार के नए नए अनाउंसमेंट्स और चेंजेस आने वाले हैं। तो धैर्य रखें और सभी लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।